उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो गुंडागिरी करे उनका स्थान जेल में ही ठीक है। आज तो इसके साथ अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती डायलिसिस हो रहा है, कल सर किसी बच्चे को आत्महत्या करनी तो उसके माँ बाप की संतान जाएगी। कार्रवाई थोड़ी कड़ी और शीघ्र होनी चाहिए ताकि वापस एक बार विश्वास जमा रहे। कहीं न कहीं प्रशासन की एक लचरता रहती है। 350 उठक बैठक लगाकर उस बच्चे के साथ 48 डिग्री टेम्परेचर में शिक्षा के मंदिर में ऐसे आपराधिक मामले करते हैं, उन लोगों को शिक्षा के मंदिर में न होकर उनको जेल में होना चाहिए। उसकी कल्पना करके ही माता पिता मानसिक रूप से टॉर्चर हो जाते हैं। आज राजसमंद जिला कलेक्ट्री में एक ऐसा प्रकरण आया जो न केवल एक स्वस्थ समाज के लिए घातक है, बल्कि डूंगरपुर के उस प्रकरण के बाद मुझे लगता है कि किसी सिर्फ एक संगठन मात्र को नहीं, किसी एक क्षेत्र मात्र को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय पर मुखर होकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधा सीधा रैगिंग से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा दंश जो हर नए कॉलेज में जाने वाले छात्र को डराता है, दर्द और पीड़ा का एहसास करवाता है। उन गलियारों में जब नया छात्र घूमता है तो वो इस उम्मीद में घूमता है कि यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, मगर उसके बदले अगर उसे कुछ ऐसी सजा मिलती है, ऐसा कुछ पीड़ा मिलती है, तो फिर इसका प्रभाव आप और हम समझ सकते हैं। उसी मामले में आज विप्र फाउंडेशन द्वारा राजसमंद में ज्ञापन दिया जा रहा है। आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि मामला क्या है। हेमंत जी हमारे साथ है, क्या कुछ प्रकरण है पूरा? जय जय परशुराम। 19 साल के एक ब्राह्मण भोले भाले लड़के के साथ डूंगरपुर में जो घटना हुई है, 350 उठक बैठक लगाकर उस बच्चे के साथ 48 डिग्री टेम्परेचर में जो उठक बैठक लगवाई है, उससे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी लीवर और उसकी किडनी पर इतना इफ़ेक्ट आया है कि वो आज अहमदाबाद में भर्ती है और उसका डायलिसिस शुरू हो गया है। तो हम विप्र फाउंडेशन सामाजिक समरसता की ओर चलते हैं। आज तो एक ब्राह्मण भाई के साथ ऐसा हुआ है, किसी भी जाति वर्ग के बच्चे के साथ भी हो सकता है ये कृत्य। तो हम राज्य सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, और हमारे उस भाई के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उसके हॉस्पिटल का खर्चा दिलाया जाए, और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दिलाई जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कुकृत्य करने के लिए तैयार ना हो। तो ये रैगिंग से जुड़ा हुआ मामला है, पूजा पालीवाल हमारे साथ, फिर हम शांतिलाल जी से भी बात करेंगे। आप अध्यक्ष रह चुकी है तो उनसे बात करने से हम समझ सकते हैं कि कॉलेजों का माहौल ये ज़्यादा बेहतर बता सकती है। आप स्वयं अध्यक्ष रह चुकी है, छात्र राजनीति में है, एक समय बीच में ऐसा आया जब रैगिंग धीरे धीरे बहुत कम हो गई, ऐसे मामले बहुत कम आने लगे, मगर अचानक से ऐसा मामला आता है, तो आपको नहीं लगता है कि इस पर कार्रवाई थोड़ी कड़ी और शीघ्र होनी चाहिए ताकि वापस एक बार विश्वास जमा रहे? जैसे आप बता रहे हो कि कॉलेज में रैगिंग के मामले कम आने लगे, वैसे ये मामला जो सामने आया है, ऐसे कई मामले होंगे जो सामने नहीं आए, लेकिन ये प्रथम व्यास का जो मामला है मेडिकल कॉलेज का, जो अधिक मात्रा में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है, तो इस मामले में जैसे उस बच्चे इस स्टूडेंट के साथ सीनियर लोग जो 48 डिग्री के तापमान में 300 से 350 बार उठक बैठक लगवा कर उसको प्रताड़ित करते हैं, और जो आज एडमिट है वेंटिलेटर पर है अहमदाबाद में, तो ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनके साथ सीनियर स्टूडेंट ऐसा करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे लोग जो शिक्षा के मंदिर में ऐसे आपराधिक मामले करते हैं, उन लोगों को शिक्षा के मंदिर में न होकर उनको जेल में होना चाहिए, और कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उन्होंने सीधा उनको चेतावनी दी है, तो उसके भी कठोर से कठोर इसको सजा मिले। आपको नहीं लगता है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए जो नया आ रहा है उसको थोड़ा सा और दुलारे, उसको मतलब स्नेह दे कि भैया तुम ठीक है, हम सब बढ़िया कर लेंगे, यहाँ साथ में रहेंगे, मगर उसके बदले अगर ऐसी घटना होती है तो फिर वो तो बड़ी एक दोष और बड़ी एक कार्रवाई के पात्र बन रहे हैं। वो तो भाई साहब हर एक की पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि कौन कैसा व्यवहार उनके ऊपर कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे लोग भी है कुछ लोग, तो उनको अगर सजा नहीं मिलेगी तो वो ऐसे उनके साथ रह के तो कई और भी सीखेंगे आगे, जैसे सीनियर बनते जाएंगे वो दूसरे स्टूडेंट के साथ ऐसा करेंगे। शांतिलाल जी हमारे साथ है, विप्र फाउंडेशन का तो ये ज्ञापन हो रहा है, मगर मेरे को जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये किसी समाज भर का मामला नहीं है, ये हर उस पढ़ने वाले छात्र का विषय है जो इन कॉलेजों में जा रहा है, ऐसे प्रकरण उनको डराते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस पर एक बड़ा कदम सरकार को उठाते हुए ये बताना चाहिए कि इस प्रकार के दोषियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, फिर वो चाहे किसी वर्ग से हो किसी भी समाज से? सर अगर सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया, आज तो इसके साथ अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती डायलिसिस हो रहा है, कल सर किसी बच्चे को आत्महत्या करनी तो उसके माँ बाप की संतान जाएगी, उस साथ और भी ऐसे लोगों को और उनको प्रॉब्लम मिलेगा और वो आगे जगह दूसरे के साथ ऐसा करेंगे, इसलिए मेरा यही सर सरकार से प्रार्थना है कि इनको ऐसी कड़ी सजा दिलाए, उनको बर्खास्त नहीं करना सर, उनके बिल्कुल ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में दूसरे बच्चे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करे। ये तमाम मामले चल रहे हैं। भरत जी हमारे साथ हैं, आप विप्र के जिला महामंत्री होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं,
आपको नहीं लगता है कि कानून को इस दिशा में थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं कड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि किसी समाज भर का मामला नहीं है, इतने कॉलेजों में पढ़ने वाले इतने छात्रों के हक और हित की बात है। इस मामले में कानून बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लचरता रहती है, और विशेष तौर से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि आगे जो छात्रों के साथ इस प्रकार की घटनाएं है वो नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के इस डर से कॉलेज भी छोड़ देते हैं, उनका जीवन भी खराब होता है। तो इस बिंदु पर राज्य सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और जो कॉलेजों में एंटी रैगिंग जो टीम बनी हुई है उसको भी सक्रिय करना चाहिए और उनका भी कहीं ना कहीं दायित्व तय करना चाहिए। यदि कॉलेज में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वो टीम जो है वो भी कहीं ना कहीं लाइबल होगी। तो ऐसे जो लोग निष्क्रिय रहे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। तो ये आज ब्राह्मण समाज के बालक के, वो ये ब्राह्मण समाज का विषय नहीं है, ये एक विद्यार्थी का विषय है। और सीनियर छात्र इस प्रकार का उसके साथ व्यवहार करते हैं तो सरकार को इसे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उदाहरण बने और आगे से ये इस प्रकार की घटनाएं रुके। और ऐसे जो विद्यार्थी करते कार्रवाई उनको कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो गुंडागिरी करे उनका स्थान जेल में ही ठीक है। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्धिनी जी हमारे साथ है, आप महिला जिलाध्यक्ष हैं विप्लव की। लड़कियों की तो वैसे भी पढ़ाई की एक समस्या रहती है, उनको घर से निकलने की वैसे भी तकलीफ आती है, और उस बीच में अगर धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरती और इस प्रकार के प्रकरण आ जाए तो आपको नहीं लगता है कि ये तो ज़्यादा उस दृष्टिकोण से दिखाता है तो बहुत बड़ी समस्या? कोई भी माँ हो, किसी भी समाज की माँ, अगर उसके बेटे के साथ यदि ऐसी घटना होती तो आप कल्पना करो कि उसने जो उस यातना से उसका बच्चा निकला है उसकी कल्पना करके ही माता पिता मानसिक रूप से टॉर्चर हो जाते हैं। रोंगटे खड़े, हमने पढ़ा न्यूज को तब से रोंगटे खड़े हो गए कि पढ़ भी नहीं पा रहे कि वो किस यातना से गुजरा होगा। हो सकता है रोज ही हो रहा होगा उसके साथ में, क्योंकि 350 तो एक आंकड़ा निकाला। हो सकता है उसके साथ रोज उठो बैठो को ही कुछ पिलाया होगा ताकि लीवर और उस पर किडनी पर असर पड़ा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होगी। इतनी कम उम्र में बच्चे के किडनी के ऊपर फेल होना या किडनी पर असर आना, तो आज आप भविष्य उसका देख लो क्या होगा, और उन माता पिता की एक ही संतान होगी तो उनका क्या होगा। तो और ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसीलिए सब में आक्रोश और गुस्सा है। आखिर में क्या आज आपकी मांग है मुख्य रूप से कि भाई उस आर्थिक उसको सहायता की मांग है, साथ साथ रैगिंग के उन दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ, और क्या आप चाहते हैं इस पूरे प्रकरण? हमारी ये मांग है जो प्रथम व्यास के साथ हुआ दोबारा किसी और हर समाज हर आगे उसके किसी के साथ नहीं हो। दूसरी सर उसके जो उसको मुआवजा मिले, उसका इलाज हो, और जो ये बच्चे हैं उनके ऐसा उनके साथ सरकार सजा दे तो भविष्य में कोई दूसरे बच्चे ऐसा करने की कोशिश नहीं करे। आज तो सर उसके साथ हुआ, वो क्या पता कल दूसरा बच्चे ऐसे फांसी का मर जाए, उसको कॉलेज छोड़नी पड़ती, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो उनके लिए सर ये जैसे ब्रज भाई साहब बोला कि एक वो जो टीम है वो टीम को सर सख्त से उनके कार्रवाई करा के हमारा इसमें पूरा योगदान दें। ये पूरा मामला सुनना, इसमें दो तीन अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ। इसमें जो पूरा प्रकरण हुआ, प्रथम व्यास जो बच्चे का नाम बताया जा रहा है उसने अपने परिवार को नहीं बताया, वो इतना डर गया, वो सहम गया, मगर उसकी जब तबीयत खराब होती है तब परिवार को उस हॉस्पिटल के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि बच्चे कितने डर जाते हैं इन घटनाक्रम के बाद, वो उस खौफ में उस भय में जीते हैं जो शायद किसी भी एक शिक्षण संस्थान के लिए तो अच्छा वातावरण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में अब स्पष्ट रूप से इस प्रकरण पर विप्र फाउंडेशन ने एक ज्ञापन दिया है, अपना मुद्दा उठाया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, और साथ ही सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।